जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस के जॉब से ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी वैकेंसीज हैं वो जूनियर क्लर्क, कॉपीस्ट की, जूनियर टाइपिस्ट की और स्टेनोग्राफर की आपको इसमें वैकेंसीज दी गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी टोटल मिलाकर वैकेंसीज हैं वो 18 पोस्टें हैं और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 32 साल तक दी गई है। और दोस्तों, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 3/8/2021 है। तो दोस्तों, आगे हम आपको इसके बारे में पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही और नई नई वैकेंसीज की डिटेल लेकर आते रहें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट जज झारसुगुड़ा के द्वारा निकाली गई है, ये उड़ीसा में है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज की। तो इसमें जो आपकी सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर क्लर्क कॉपीस्ट की, इसमें आपको सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये तक दी जाएगी और इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट हैं वो 12 पोस्टें दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें जूनियर टाइपिस्ट की पोस्ट है जिसमें आपकी सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये तक रहेगी और इसमें आपको टोटल 3 पोस्टें दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, इसमें आपको सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये तक दी जाएगी और इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 3 दी गई हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें सबसे पहला है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 32 साल तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे जूनियर क्लर्क कॉपीस्ट की और जूनियर टाइपिस्ट की। तो इसके लिए आपका 10th+2 पास होना ज़रूरी है और आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए टाइपराइटिंग की। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, इसके लिए भी आपका 10th+2 पास होना ज़रूरी है और इसमें जो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश की आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी फ़ीस है वो 100 रुपये लगेगी, जिसका आपने ट्रेजरी चलान बनवाना है। तो दोस्तों, ये जो आपका ट्रेजरी चलान बनेगा ये उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम पे बनेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की। तो इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा जूनियर क्लर्क कम कॉपीस्ट के लिए, तो इसमें आपका इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा, अर्थमेटिक का 100 मार्क्स का, जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का और कंप्यूटर साइंस का 100 मार्क्स का होगा और इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा वो 45 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी जूनियर टाइपिस्ट की रिटन टेस्ट है उसमें आपका इंग्लिश का 100 मार्क्स का होगा और टाइप टेस्ट होगा 400 वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो 50 मार्क्स का होगा और आपका कंप्यूटर साइंस टेस्ट होगा प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का और आपका इंटरव्यू 35 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो लास्ट वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, इसमें आपका इंग्लिश का जो रिटन टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, उसके बाद आपकी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल होगा आपका 100 मार्क्स का और आपका इंटरव्यू इसमें 35 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश में आपका क्या सिलेबस आएगा, अर्थमेटिक में क्या आएगा, जनरल नॉलेज में या कंप्यूटर साइंस में क्या आएगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो इसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और इसे डिस्ट्रिक्ट जज झारसुगुड़ा पर आपने पोस्ट करना है। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3/8/2021 है। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, जो जो आपने साथ लगाने हैं वो आप इनकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जब आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपने यहाँ से प्रिंट आउट निकाल कर इसे भरना है। तो दोस्तों, इसमें आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी और ये भरने के बाद आपने इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या फिर आप स्पीड पोस्ट के जरिए इनके ऑफिशियल एड्रेस पर सेंड करोगे। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।